Audio Jungle. नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आज की मुख्य बड़ी खबर, बाबूलाल मरांडी ने सोरेन परिवार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सोरेन परिवार संथाल परगना को छोड़कर राज्य में किसी और सीट से नहीं लड़ सकता। भाजपा विधायक दल के नेता सह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि हेमंत सोरेन का परिवार संथाल परगना छोड़कर राज्य में और कहीं से भी चुनाव नहीं लड़ सकता है और न चुनाव जीत सकता है। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन खुद संथाल के भरेट से विधायक हैं, उनकी भाभी जामा से विधायक है और तीसरा भाई दुमका से चुनाव लड़ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा यह चुनाव लोकतंत्र बनाम परिवारवाद का चुनाव है। बता दें कि सोमवार को एनडीए के संयुक्त प्रेस वार्ता हुई जिसमें बाबूलाल ने उक्त बातें कही। वहीं पर हेमंत सोरेन ने कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, अनगल प्रलाप कर सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दावा किया कि आगामी 3 नवंबर को होने वाले उपचुनाव में दुमका व बेरमो के दोनों सीटों पर गठबंधन के प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित है। उन्होंने कहा कि विपक्ष बोरो प्लेयर के भरोसे सदन चलाना चाहती है और भाजपा को विपक्ष के लिए कोई नेता नहीं मिल रहा है, विपक्ष मुद्दा विहीन है और अनगल प्रलाप कर सरकार को बदनाम करना चाहती है। वहीं पर आम आदमी पार्टी से लौटे कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार सिर्फ विपक्ष पर हमला करना जानती है, चीन पर हमला नहीं कर सकती। अमेरिका बता रहा है कि 60,000 चीनी जवान सीमा पर तैनात है। भारत का 1200 किलोमीटर क्षेत्र पर चीन ने कब्जा कर लिया है और भारत के पीएम और रक्षा मंत्री चुप बैठे हैं। डॉक्टर अजय कुमार सोमवार को गिरिडीह में पत्रकारों से बात करते थे। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ की और कहा कि देश के लिए राहुल गांधी से बेहतर नेता हो ही नहीं सकता, सिर्फ वही किसान मजदूरों और देशवासियों के हित में लड़ाई लड़ सकते हैं। रघुवर दास ने कहा कि लालू राज्य में जिस तरह जंगल राज की स्थिति थी वही आज झारखंड में दिख रहा है। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि 9 महीने में ही हेमंत सरकार ने राज्य में अराजकता की स्थिति उत्पन्न कर दी है। लालू राज्य में जिस तरह जंगल राज की स्थिति थी वही आज राज्य में दिख रहा है। संथाल परगना में आदिवासियों बहनों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। राज्य में नक्सलवाद फिर से अपने पैर पसार रहा है। ट्रांसफर पोस्टिंग एक उद्योग बनकर रह गया है। वे सोमवार को भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा दुमका जिला के प्रमुख कार्यकर्ता की बैठक को संबोधित करते हुए कहा था। शहीद जवान की मां को 10 लाख रुपए की सहायता और भाई को थर्ड ग्रेड में नियुक्ति के प्रस्ताव पर सीएम ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने उग्रवादी हिंसा में शहीद हुए सीमा सुरक्षा बल के 114वीं बटालियन के जवान इसरार खान के परिवार को मदद की इजाज़त दे दी है। इसके तहत शहीद इसरार की मां खैरुन निशा को 10 लाख रुपए और भाई मोहम्मद इरफान खान को सरकारी नौकरी दी जाएगी। बता दें कि धनबाद जिला के तीसरा थाना क्षेत्र स्थित साउथ कोलकडीह निवासी इसरार खान 4 अप्रैल 2019 को छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर जिला में महला नाला जंगल के पास उग्रवादी हिंसा में शहीद हो गए थे। 4,77,00,000 से ज्यादा के मालिक हैं बसंत सोरेन। झामुमो प्रत्याशी बसंत सोरेन ने अपने नामांकन पर्चा में दाखिल किए गए हलफनामे में अपने संपत्ति सहित कुल चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया है। हलफनामे के अनुसार बसंत सोरेन की कुल चल संपत्ति 1,51,23,306 रुपये है, जबकि 3,26,00,000 रुपये की अचल संपत्ति है, जबकि उनकी पत्नी हेमलता सोरेन की कुल चल संपत्ति 55,48,459 रुपये, जबकि अचल संपत्ति 11,61,663 रुपये हैं। बसंत एवं उनकी पत्नी का आय का स्रोत उनका निजी व्यवसाय है। झारखंड में सोमवार को 510 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई। इनमें सबसे अधिक 199 रांची से मिले। वहीं राज्य में 11 मरीजों की मौत भी हो गई है। मृतकों में बोकारो, चतरा, गिरिडीह, पलामू व रामगढ़ से एक एक हैं, जबकि रांची और पूर्वी सिंहभूम से तीन तीन लोग शामिल हैं। आज 890 लोग ठीक भी हुए हैं। आप सबको बता देना चाहता हूँ कि कहाँ से कितने मरीज मिले हैं।
बोकारो से 10, चतरा से 3, देवघर से 7, धनबाद से 20, पूर्वी सिंहभूम से 80, गढ़वा से 5, गिरिडीह से 11, गोड्डा से 12, गुमला से 14, हजारीबाग से 34, जामताड़ा से 11, खूंटी से 6, कोडरमा से 14, लातेहार से 4, लोहरदगा से 6, पलामू से 8, रांची से 199, रामगढ़ से 17, साहिबगंज से 6, सरायकेला से 15, सिमडेगा से 13 और पश्चिमी सिंहभूम से 15 मरीज शामिल हैं। पीएम मंत्री वंदना योजना। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सरकार देगी 6,000 रुपये। अगर आपको नहीं मालूम है कि क्या है यह योजना तो आप जान लीजिए। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत महिलाओं को दी जाने वाली रकम किस्तों में दी जाती है। साथ ही पहली किस्त 1,000 रुपये की होगी। यह पहली किस्त महिलाओं को गर्भवती के दौरान पंजीकरण के समय दी जाएगी। वहीं दूसरी किस्त गर्भावस्था के 6 महीने बाद और प्रसव के पहले दिया जाता है। इसके अलावा इसमें इस लाभार्थी को 2,000 मिलेंगे और तीसरी किस्त बच्चे के जन्म और उनके पंजीकरण के पहले चक्र पूरा होने पर मिलेगी। इसमें भी 2,000 रुपये दी जाएंगे। इसके अलावा 1,000 का अलावा लाभ जननी सुरक्षा योजना के तहत महिलाओं को प्रसव के दौरान मिल सकता है। आप सबको बता देता हूँ कि केंद्र सरकार की तरफ से देश की महिलाओं के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की गई है, जिसका लाभ हर राज्य की महिला सीधी तौर पर ले पा रही है। वहीं सरकार के तरफ से देश की सभी गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए यह योजना लागू की गई है। मोदी सरकार के द्वारा 2.5 करोड़ का नया किसान क्रेडिट कार्ड जारी किया। निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि 2.5 करोड़ किसानों को केसीसी पर 2 लाख करोड़ रुपये तक का ऋण मिलेगा। पिछले 3 महीनों के दौरान लगभग 3 करोड़ किसानों को सस्ती दरों पर लगभग 4.2 लाख करोड़ के ऋण दिए गए। किसान क्रेडिट कार्ड केंद्र सरकार के किसानों के लिए समर्पित एक कल्याणकारी योजना है। यह 1998 में शुरू किया गया था। केसीसी के माध्यम से किसानों को खेती से संबंधित गतिविधियों के लिए सस्ती दर पर ऋण प्रदान किया जाता है। केंद्र द्वारा उन सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किए जा रहे हैं जो प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के लाभार्थी हैं। इसके माध्यम से किसानों को बिना किसी गारंटी के 1.60 लाख रुपये तक का ऋण दिया जाता है। वहीं 3 लाख रुपये तक के अल्पकालीन ऋण 5 वर्षों में दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 2 लाख का बीमा केवल 12 रुपये में ही मिल रहा है। आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक प्रकार की दुर्घटना बीमा पॉलिसी है, जिसके तहत दुर्घटना के समय बीमा की राशि या दुर्घटना के समय मृत्यु होने पर दावा किया जा सकता है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 1 वर्ष के लिए वैध होगी, जिसे 1 वर्ष के बाद फिर से नवीनीकृत करना होगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मृत्यु पर 2 लाख रुपये और आंशिक रूप से विकलांग पर 1 लाख रुपये दिए जाएंगे। ये योजना का लाभ उठाने का कुछ शर्तें हैं। खाते में अगर बैलेंस नहीं होने पर पॉलिसी रद्द की जाएगी। बैंक खाता बंद होने की स्थिति में पॉलिसी खत्म हो जाएगी। केवल एक बैंक खाते को इस योजना से आप जोड़ सकते हैं। प्रीमियम जमा नहीं होने पर पॉलिसी का नवीनीकरण नहीं किया जा सकता। जानिए क्या होना चाहिए इसकी योग्यता। 18 से 70 साल के व्यक्ति प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ सकते हैं। आधार कार्ड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जुड़ा होना चाहिए। अगर किसी उपभोक्ता के पास एक या अधिक बचत खाते हैं तो वे किसी एक बचत खाते के माध्यम से योजना में शामिल हो सकते हैं। किन किन लोगों को मिलता है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ उन्हें दिया जाता है जो गरीब परिवार के हैं और ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, जिनके पास रहने के लिए पक्के मकान नहीं है और जो रहने के लिए झोपड़ियों का उपयोग कर रहे हैं, और जो लोग बीपीएल राशन कार्ड धारकों की सूची में आते हैं उन्हें पीएम ग्रामीण आवास योजना के तहत अपने घर बनाने का लाभ दिया जाता है। यदि आप भी इस योजना के लिए पात्र हैं तो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।